सहारा इंडिया को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये खबर हमको मिली है इंटरनेट और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो भाई जो भी है भाई, आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। जिन निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है उनको बहुत जरूरी है देखना। तो क्या है, कैसे देखेंगे? तो भाई जो भी है, जो भी अपडेट हमें मिली है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो भाई आप लोग बने रहे। ये देखिए, आज कई निवेशकों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेजे गए। तो भाई इसकी पूरी सच्चाई क्या है? लोगों का पैसा मिला है या नहीं मिला है? क्या है, अफवाह है क्या है? तो भाई आप लोग बने रहे, तो एक एक स्टेप मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो भाई आप लोग बने रहे। आज कई निवेशकों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेजे गए हैं, क्या ये सत्य है? मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि 312 निवेशकों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में भेज दिए गए हैं, लेकिन यह दावा अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है किन किन निवेशकों का पैसा मिला है, क्योंकि 312 निवेशक में से एक निवेशक भी नहीं है कि अपना पूरा डिटेल्स दिखा पाएंगे कि मेरा 10,000 पहली किस्त के रूप में भेज दिया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर अफवाह बहुत तेजी से फैला दिया गया है कि 312 निवेशकों को पैसा दे दिया गया है, लेकिन यह निवेशक कहाँ के हैं, कौन से जिले के हैं, कौन सा राज्य के हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया। लेकिन फिलहाल अभी इसका जनहित जारी है, इन लोगों का खोज जारी रहा है कहाँ कहाँ के लोगों को यह पैसा भेजा गया है, क्योंकि यह बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि 312 निवेशकों का पैसा लौटा दिया गया है। तो भाई जो भी है मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी हमें अपडेट मिली है मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूं। तो भाई जो भी है फिलहाल दोस्तों, देखिए यदि आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, 45 से 50 दिन हो गए लेकिन अभी तक उनका पैसा वापस नहीं किया गया है। कई सहज निवेशक का 2 महीना तक हो गया लेकिन उनके पैसे को अभी तक वापस नहीं किया गया है। तो दोस्तों लोगों पे मैसेज आ रहा है डीएफएनसीसी का और लोगों का अभी तक पैसा नहीं मिल पाया है। जो भी खबर आ रही है इसमें फेक बताई जा रही है। भाई आप लोग को थोड़ा वेट करना है, हो सकता है कि आपका पैसा जो है बहुत जल्द मिल सके। लेकिन जो ये खबर निकल के सामने आ रही, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज अफवाह है। इस वीडियो के माध्यम से जो भी है आपको मैंने बता दिया है, यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल के माध्यम से। तो चलते हैं अगले वीडियो, मिलते हैं, तब तक नमस्कार जी।